कौन बनेगा करोड़पति लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब एक बार फिर ये शो चर्चा में आ गया है। और इसे चर्चा में आने की वजह बनी है बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा ने केबीसी में एक ऐसी चीज कर दी है जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। इस एपिसोड में हॉट सीट पर करोड़पति बनने आई थी राजस्थान के बाड़मेर की रूमा देवी और उनकी मदद के लिए आई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। इस दौरान सोनाक्षी ने कुछ सवालों का जवाब दिया लेकिन आसान से सवाल पर आकर वो फंस गई। सोनाक्षी से पूछा गया जो सवाल था वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अमिताभ ने शो पर सवाल किया कि रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे और इसके चार ऑप्शन दिए गए थे सुग्रीव, लक्ष्मण, सीता और राम। आप सभी को इस सवाल का जवाब पता होगा लेकिन सोनाक्षी सिन्हा इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। इसके लिए उन्हें लाइफलाइन का सहारा लेना पड़ा और एक्सपर्ट एडवाइस की हेल्प लेने के बाद सोनाक्षी इस सवाल का सही जवाब दे पाई। सोनाक्षी सिन्हा इस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं। यूजर्स सोनाक्षी को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैं मुस्लिम होकर भी इसका जवाब दे सकता हूँ और सोनाक्षी को इसके लिए लाइफ लाइन लेना पड़ी। दूसरे यूजर ने लिखा कि इन स्टार किड्स को हमारी संस्कृति का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कुछ ने तो सोनाक्षी को डम्बो तक कह डाला। वहीं सोनाक्षी के इस बात पर अमिताभ बच्चन भी नाराज नजर आए और उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की क्लास ले ली। सोनाक्षी के पिता का नाम शत्रुघ्न है और उनके बाकी चाचा के नाम राम, लक्ष्मण और भरत है। वहीं उनके घर का नाम भी रामायण है और तो और सोनाक्षी के भाइयों के नाम भी लवकुश है। इसके बाद भी वो इस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। केबीसी में जिस प्रतियोगी का साथ देने के लिए सोनाक्षी सिन्हाई थी उनका नाम रूमा देवी है और उन्हें नारी सशक्तिकरण को लेकर अपने प्रयासों के कारण राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हो चुका है। रूमा देवी केबीसी पर 12,50,000 रुपए ही जीत पाई हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।